नमस्कार। हिमाचल तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। द्रौपदी मुर्मू ने किया शिमला के धार्मिक स्थलों का दौरा, तारा देवी मंदिर जाने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 5 दिवसीय हिमाचल दौरे के दौरान आज शिमला के प्रमुख धार्मिक स्थल तारा देवी मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। माता तारा देवी मंदिर जाने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति हैं। वहीं उन्होंने मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित भंडारा ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इससे पूर्व राष्ट्रपति ने शिमला स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। धर्मशाला पहुंचे स्टार खिलाड़ी विराट, सिराज और कार्तिक प्रशंसक उमड़े। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 9 मई को होने वाले आईपीएल की T20 मैच के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली धर्मशाला पहुंच गए हैं। आज 1:15 की फ्लाइट से आरसीबी टीम के खिलाड़ी विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, मोहम्मद सिराज और अन्य गगल हवाई अड्डे पर पहुंचे। विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। खिलाड़ी हवाई अड्डे से निकलने के बाद बस में सवार होकर होटल रवाना हो गए। वहीं धर्मशाला में 9 मई को पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें 2 दिन अभ्यास करेंगी। 10वीं कक्षा में भी बेटियां अव्वल, टॉप 10 मेरिट सूची में 71 ने बनाई जगह। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया है। 10वीं कक्षा की टॉप 10 मेरिट सूची में भी बेटियों ने बाजी मारी है। टॉप 10 मेरिट सूची में कुल 92 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें से 71 छात्राएं हैं। 12वीं कक्षा की तरह 10वीं की मेरिट में भी बेटियों ने परचम लहराया है। मेरिट लिस्ट में पहले से लेकर 10वें स्थान तक लड़कियों ने अपना जलवा कायम किया है। मेरिट सूची में पहले, दूसरे और 10वें स्थान पर लड़के ढूंढे नहीं मिले, जबकि मात्र 9वें रैंक के लिए ही 7 लड़कों ने 15 लड़कियों के साथ साझा किया है। सरकारी स्कूलों से 19 जबकि निजी स्कूलों से 52 लड़कियों ने मेरिट सूची में जगह बनाई है। बता दें, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नादौन की रिधिमा शर्मा ने 99.86% अंक लेकर प्रदेश में टॉप किया है। वहीं न्यूगल मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवारना की कृतिका शर्मा ने 99.71% अंक लेकर दूसरे स्थान पर रही है। हिमाचल में लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा और उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही राज्य में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई तय की गई है। 15 मई यानी बुधवार के दिन सुबह 11 बजे नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। इसके बाद कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस करने के लिए 17 मई को अपराह्न 3 बजे से पहले आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 जून को शनिवार के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। नामांकन के पहले दिन संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में निर्दलीय प्रत्याशी रमेश चंद सारथी ने 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी। 8 मई से करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 मई से शुरू होगी तथा आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई है। विलंब शुल्क के साथ 29 से 31 मई तक आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदनों में शुद्धि 1 से 3 जून तक होगी। वहीं परीक्षा से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। जनरल और इसकी सब कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए ₹800 व एससी एसटी ओबीसी पीएचएच अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹500 तथा विलम्ब शुल्क ₹300 होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि 8 विषयों के टैट के लिए एक ही प्रोस्पेक्ट बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऊना शहर से सटे लाल सिंगी में 50 झुग्गियां राख, लाखों का नुकसान।
हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर के साथ सटे लालसिंगी क्षेत्र के वारदस में आज सुबह करीब 11 बजे झुग्गियों में अचानक आग लग गई। अग्निकांड में करीब 50 झुग्गियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर करीब 12 बजे दमकल विभाग की 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। इस दौरान रास्ता नहीं मिल पाने के कारण गाड़ियों को आगे बढ़ने में देरी हुई। इसके बाद गाड़ियां किसी तरह खड्ड को पार कर प्रभावित क्षेत्र में पहुंची। वहीं इसके बाद आग को बुझाने का कार्य शुरू किया गया। दोपहर 12:30 बजे तक झुग्गियों में लगी आग को बुझाने का क्रम जारी रहा। इस हादसे से जुड़े कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि किसी ने गेहूं के खेत में पराली को जलाने के लिए आग लगाई होगी, जो कि बाद में झुग्गियों तक जा पहुंची। इस हादसे में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है, हालांकि प्रशासन आग से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। कंगना बोली, प्रतिभा सिंह नहीं बांट पाई सांसद निधि, पहले सरकार को कोसा, अब गोद में बैठे। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का कहना है कि मंडी की मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह का नाम देश के अंतिम दिन सांसदों में शामिल है। मंडी की सांसद ही ढंग से अपनी सांसद निधि तक नहीं बांट पाई, ऐसे व्यक्ति से विकास की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। यह बात उन्होंने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले छतरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि प्रतिभा सिंह सांसद निधि तब भी नहीं बांट पाई जब मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को आपदा के समय में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मंडी ने ऐसे सांसद को चुन रखा है जो अपने संसदीय क्षेत्र में नज़र ही नहीं आती हैं। सांसद निधि का पैसा प्रतिभा सिंह ने कहाँ खर्च किया, इस बात को जानना और इसे लेकर प्रश्न खड़े करना हमारा काम। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल के हितों को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर के नीरथ नामक स्थान में हिमाचल किसान सभा द्वारा आयोजित लोहरी परियोजना प्रभावित किसानों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी लोकसभा हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान परियोजना प्रभावितों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने नीरथ पहुंचते ही सबसे पहले प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर में जाकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उसके बाद 210 मेगावाट की लोहरी परियोजना प्रभावित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। HRTC की चलती बस का अगला टायर खुला, यात्रियों में मची चीख पुकार, वीडियो वायरल। हिमाचल पथ परिवहन निगम की सुंदरनगर से केरन जा रही बस का चालक की तरफ का अगला टायर खुलने से यात्रियों में दहशत मच गई। यह घटना आज शाम करीब 4:45 के आसपास केरन गांव से करीब 1 किलोमीटर पीछे हुई। हादसे के समय बस में 8 विद्यार्थियों सहित करीब 15 यात्री सवार थे। इस घटना ने परिवहन निगम की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर बस स्टैंड से करीब 3:15 पर केरन के लिए रवाना हुई बस जब अपने गंतव्य से करीब 1 किलोमीटर पीछे थी तो चढ़ाई पर चलते चलते अचानक चालक की तरफ का अगला टायर खुल गया। टायर खुलने के बाद लगे झटके से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।